25 जुलाई 2001 की घटना, दिल्ली के एक बंगले के सामने खड़ी एक महिला जो अपने ही घर के सामने खड़ी थी। तीन नकाबपोश युवक आते हैं और उस महिला के ऊपर अंधाधुंध गोलियां की बारिश करते हैं। गोलियां चलाने से उस महिला की मृत्यु हो जाती है उसी जगह, और वो तीनों नकाबपोश बंदे 800 मारुति कार लेके वहां से फरार हो जाते हैं। और महिला को हॉस्पिटल, दिल्ली के हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, और डॉक्टर कहता है कि ये महिला सॉरी अभी इसको हम नहीं बचा पाए, और वो उसे हॉस्पिटल में मृत घोषित कर देते हैं। और अगले ही दिन अखबार में, न्यूज चैनल में न्यूज आती है कि मिर्जापुर की सांसद फूलन देवी की तीन नकाबपोश युवकों ने गोली मारकर हत्या कर दी। ठीक उसी के 2 दिन बाद देहरादून के एक थाने में पंकज सिंह उर्फ शेर सिंह राणा थाने में पेश होता है और कहता है कि मिर्जापुर की सांसद फूलन देवी की हत्या की जिम्मेदारी लेता है। तो लोगों में सनसनी सी फैल जाती है कि अब इस युवक को फांसी की सजा होगी, उम्र कैद की सजा होगी, क्या होगा। और ठीक ऐसे ही देखते हैं, ऐसे ही अगर जिस बंदे को फांसी की सजा होनी थी, वो देखते ही देखते लाखों हजारों लाखों युवक लोगों की हीरो बन चुका है। अब देखते हैं कि वो युवक कौन है और वो कैसे हीरो बन गया। तो बात करते हैं आज हम उस युवक की। राम राम सा, जय माता जी, मैं फतेह सिंह बापड़ी। बात करते हैं आज हम शेर सिंह राणा के बारे में। जी हाँ, तो दोस्तों बात करते हैं आज हम सच्ची घटना एक युवक की, जो जिसका नाम था शेर सिंह राणा। शेर सिंह राणा का जन्म 17 मई 1976 को रुड़की के एक गांव में हुआ था। और शेर सिंह राणा जिन्होंने मिर्जापुर की फूलन देवी की हत्या के बाद शेर सिंह राणा जेल में चले गए। जी हाँ, जेल में जाने का सबसे कारण ये, फूलन देवी की हत्या का सबसे बड़ा कारण यही था कि फूलन देवी ने 20 ठाकुरों को एक ही लाइन में खड़ा करके गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। और जिसके बाद फूलन देवी भी काफी चर्चा में आ गई और सुर्खियों में चलने लगी। उसी दिन से ये घटना थी सन 2004 की। शेर सिंह राणा ने उसी दिन कसम खा ली थी कि इसी फूलन देवी ने 20 ठाकुरों को गोली मारकर हत्या की है, इसी को मैं मारूंगा। जी हाँ, तिहाड़, दिल्ली की तिहाड़ जेल एशिया की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत जेल है, उसी के अंदर शेर सिंह राणा रहता था। 25 साल का युवक, ज्यादातर टाइम वो अपने लाइब्रेरी में गुजारता था, ज्यादातर टाइम लाइब्रेरी में गुजारता, किताबें पढ़ता था। उसने पढ़ते पढ़ते एक सच्ची घटना थी उसी के बारे में पता लगा लिया। फिर उसने सोच लिया कि मुझे मरना तो फिक्स है, जब मुझे उम्र कैद की सजा हो गई तो मुझे मरना तो फिक्स है। तो उसने सोचा कि क्यों ना ऐसा नाम कर दिया जाए कि भारत में क्या पूरे एशिया और वर्ल्ड में नाम कर दिया जाए कि मुझे लोग याद रखे। जी हाँ, फिर उसने तिहाड़ जेल में ही एक संदीप ठाकुर, गैंगस्टर जिसका नाम था संदीप ठाकुर, उसी से संपर्क किया और उसे कहा कि मुझे इस तिहाड़ जेल से बाहर निकलना। संदीप ठाकुर जो शेर सिंह राणा का खास और परम मित्र था, वो गैंगस्टर था, वो भेष बदलने में काफी माहिर था। तो वो वकील का भेष भी कर सकता था, कोई कुछ भी वेश करके। जब वो ये घटना बात है 17 फरवरी 2004 की, वो वेश बदल कर 2 पुलिस कर्मियों के साथ तिहाड़ जेल पहुंच जाता है। और ठीक उसी दिन सुबह 8 बजे शेर सिंह राणा को कोर्ट के लिए रवाना होना था। जो असली पुलिस कर्मी थे, असली वकील था, वो पहुंच नहीं पाए टाइम पे, बीच में कहीं उसी से 1 घंटा पहले मतलब 7 बजे नकली पुलिस और संदीप ठाकुर वकील बन के पहुंच जाते हैं तिहाड़ जेल। तिहाड़ जेल पहुंचने के बाद वही डॉक्यूमेंट ओरिजिनल की तरह लग गए हैं। डॉक्यूमेंट, कोर्ट के आदेश, पुलिस और वकील, तिनों के तीनों लोग पहुंच जाते हैं तिहाड़ जेल में और पुलिस को डॉक्यूमेंट दिखाते हैं और पुलिस शेर सिंह राणा को उनके साथ भेज देती है। जी हाँ, शेर सिंह राणा को तिहाड़ जेल से उन लोगों के साथ भेज दिया जाता है और 40 रुपये साथ में दिए जाते हैं कि इनको, शेर सिंह राणा को बीच में अगर कहीं टाइम मिले तो इनको खाना भी खिला दिया जाए। उसके 1 घंटे बाद ओरिजिनल पुलिस, वकील और कोर्ट के दस्तावेज पहुंचते हैं, तो पुलिस कर्मी और वहां के लोग चकित रह जाते हैं और उन्हें पता चल चुका था कि शेर सिंह राणा यहाँ से फरार हो चुका है। जब हलचल पूरे दिल्ली में फैल जाती है, तो दिल्ली इतनी बड़ी दिल्ली है कि कैसे पता लगाए।
तो पुलिस ने चारों तरफ छानबीन शुरू की। उससे पहले ही संदीप ठाकुर और शेर सिंह राणा पहुंच जाते हैं कश्मीर गेट। कश्मीर गेट पहुंचने के बाद वो दोनों, वो चार के चार लोग निकल जाते हैं यूपी के मुरादाबाद की तरफ। मुरादाबाद निकलने के बाद वो शेर सिंह राणा और संदीप ठाकुर दोनों मुरादाबाद पहुंचने के बाद वो शेर सिंह राणा के परिवारजनों और रिश्तेदारों से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। शेर सिंह राणा अपने रिश्तेदारों से संपर्क करके बोलता है कि मुझे इंडिया में नहीं रहना है और मुझे इंडिया से बाहर जाना है ताकि मुझे इंडिया की पुलिस वापस पकड़ के जेल में ना डाल दे। वो घरवाला से 1,00,000 रुपए और लेता है और वो कलकत्ता के लिए रवाना हो जाता है। कलकत्ता जाके वो एक दिल्ली के पुलिस ऑफिसर SP की डुप्लीकेट ID पे वो अपना पासवर्ड बना लेता है। पासवर्ड बना के वो चला जाता है बांग्लादेश। जी हाँ, बांग्लादेश चला जाता है। कुछ महीने बांग्लादेश में रहने के पश्चात वो पाकिस्तान चला जाता है। पाकिस्तान में वो जाता है, 2-3 महीने वहां बिताता है और फिर वहां से वो अफगानिस्तान के लिए अपने डॉक्यूमेंट, अपने वीजा वगैरह के लिए ट्राई करता है। तो पाकिस्तान के कुछ मौजूद लोगों ने बोला कि तुम वापिस क्यों इंडिया जाना चाहते। उन्हें पता चल चुका था कि तुम शेर सिंह राणा हो, तुम्हारा ओरिजिनल नाम शेर सिंह राणा है और तुम फर्जी ID पे यहाँ या उधर घूम रहे हो। अगर तुम इंडिया जाओगे तो वापस जेल में धकेल दिया जाएगा, तुम यहीं पर रहकर कुछ बिजनेस वगैरह कर सकते हो। तो शेर सिंह राणा ने उन्हें बोला कि मैं अगर यहाँ आपके पास रहूंगा तो आप मुझे जरूर बम फोड़ने के लिए कहोगे और मैं ये काम नहीं कर सकता। नहीं, उन लोगों ने बताया कि हम हर किसी से बम फोड़ने के लिए नहीं बोलते हैं, आप यहाँ रह सकते हो, अपना बिजनेस कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो उन्हें पाकिस्तान एम्बेसी को उनका पता चल चुका था और वहाँ के लोगों का कि ये शेर सिंह राणा है जो दिल्ली तिहाड़ जेल से फरार हुआ है। जी हाँ, उसके बाद शेर सिंह राणा काफी टाइम गुजर जाने के बाद 2 महीने लगातार वहां रुकता है पाकिस्तान में। उसके बाद वो अपना अफगानिस्तान के लिए रवानगी करता है तालिबान के लिए। जी हाँ, फिर उससे वो देखते हैं और उन्होंने टिकट करवा लिया तो फिर वो पाकिस्तान से दुबई चले जाते हैं। दुबई टू बाई उनकी फ्लाइट होती है अफगानिस्तान की। फिर वो दुबई से सीधा दुबई रुकते हैं 1 घंटे के लिए एयरपोर्ट पे, वहां से सीधा वो अफगानिस्तान चले जाते हैं। अफगानिस्तान, जी हाँ दोस्तों, जब शेर सिंह राणा दुबई से तालिबान के लिए रवाना हुए, तालिबान पहुंच गए, तो पहुंचते ही वो वहां से अगले दिन कंधार के लिए रवाना हुए और कंधार पहुंच गए। जी हाँ, शेर सिंह का तालिबान जाने का एक ही मकसद था कि वो हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की अस्थियां, जो तालिबान में वहां के लोग सुनने में आता है और सुनने में बताया भी गया है कि तालिबान के वहां के लोग उसके ऊपर जूते चप्पल मारते हैं और जूते चप्पल उतार के जाते हैं उसके ऊपर। तो शेर सिंह राणा ने तिहाड़ जेल में ही कसम खा ली थी कि वो यहाँ से भाग कर जाएंगे तिहाड़ से और अपने हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की अस्थियां को लेकर वापिस भारत आएंगे। जैसे ही वो तालिबान के कंधार में पहुंचे तो उन्हें वहां मिला एक इंडियन लड़का, जी हाँ, जो होटल चलाता था इंडियन लड़का, और उनसे शेर सिंह राणा की बातचीत भी हो गई। बातचीत होते होते उन्होंने पूछा कि आप अगर इंडिया से आए हैं तो आप कौन सी कंपनी से, कौन से देश के लिए, किस देश के लिए काम करते हैं। तो शेर सिंह राणा ने बताया कि मैं किसी भी देश के लिए कोई कंपनी के लिए काम नहीं करता हूं। तो उसने पूछा कि आप रॉ के लिए काम करते हैं। नहीं, शेर सिंह राणा ने मना करते, बोले मैं कोई रॉ के लिए काम नहीं करता हूं, मैं वैसे ही एक यहाँ की फिल्म इंस्टीट्यूट में काम करता हूं। तो यहाँ की एक मैं स्टोरी लेने आया हूं, यहां से मैं एक फिल्म की कहानी बनाने के लिए आया, देखने के लिए आया हूं, तो मैं यहाँ फिल्मों में काम करता हूं, फिल्म बनाता हूं। यहाँ तो उसने बोला कि इतना तालिबान में इतना सब कुछ होने के बाद यहाँ बहुत खतरनाक है, एक फिल्म बनाने वाला या फिल्म निर्माता यहाँ नहीं आ सकता। जी हाँ, तब वो शेर सिंह राणा और उस इंडियन होटल वाले लड़के शेर सिंह की बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम संजय गुप्ता से नाम से आया हूँ, अगर रो मुझे यहाँ भेजती तो किसी खान नाम से भेजती, संजय गुप्ता के नाम से नहीं। जी हाँ, फिर उन दोनों में बातचीत होती है और वो आगे के लिए जो भी अपने वो भी शेर सिंह राणा भी उसी होटल में रूम लेते हैं। जब शेर सिंह राणा और वो इंडियन लड़के बीच दोस्ती हुई तो उन्होंने अपने दोस्त से बातचीत करा के शेर सिंह राणा को काबुल में एक अपने दोस्त के वहां भेज दिया जहां पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां थी। तो शेर सिंह राणा कुछ समय काबुल में रहे, वहां लगभग 5 से 7 दिन, और उन्होंने पता किया कि पृथ्वीराज सिंह जी की जो
जो मंजर है, जो समाधि बना रखी है, वो कहाँ पर है, उन्होंने सब कुछ पता किया। काफी टाइम भी लगा उनको वहां पर, और उनको उस शाकाहारी थे तो उन्हें खाने पीने की भी बहुत दिक्कत आई, और उन्होंने सामना भी किया। जी हाँ, वो बोलते हैं कि उन्होंने काबुली चने और रोटी और क्रीम खा के कई दिन भी गुजारे। उसके बाद जब उन्होंने पता किया इधर उधर, तो उन्हें पता चला कि ये मंजर है, तो वहाँ वो अपनी तैयारी करके वहाँ गए और एक दो बार कोशिश भी की। कोशिश करने के बावजूद उन्हें ये लगा कि अब वो कर पाएंगे, तो उन्होंने एक दो बार ट्राई कोशिश की, तो उसके बाद कोशिश फेल हो गई उनकी। और वो अपने साथी, वहां से दो तीन साथी विश्वास पात्र बंदे भी रहते थे वहां से पैसे देके, और उनको पैसे देकर वो साथ में लेके जाते थे। एक दो बार उन्होंने, वहां की सुरक्षा एजेंसी थी, उन्होंने भी उनका साथ भी दिया काफी, लेकिन वहां सुरक्षा एजेंसी ने उन्होंने ये जरूर कहा था कि ये तालिबान बहुत ही खतरनाक जगह है, और यहाँ आपको एक अकेले में ऐसे घूमना बहुत ही भारी पड़ सकता है। तो शेर सिंह राणा ने रिस्क उठा के काम तो करना शुरू कर दिया। जब वो गए वहां, देखा, उन्होंने पता किया कि रियल में भी यही है, और वो एक बार दो बार वो हिरात भी चले गए, हिरात से वापिल काबुल आए, और वहां पर उस टाइम बर्फ गिरना, धीरे धीरे बर्फ गिरना शुरू हो गई थी। एक बार शेर सिंह राणा को उन्होंने वहां के लोगों ने पकड़ लिया, और वहां के जो अपने यहाँ इंडिया में SP लेवल का बंदा होता है, वहां की कमेटी तालिबान में अपने अलग अलग लेवल के, जैसे अपने SP है तो वहां के लिए अलग पद होता है, वो उनके सामने पेश करने गए। तो उन्होंने कहा, शेर सिंह राणा ने, डर डर तो लगा उनको कि अब भाई क्या करे, तो उन्होंने गए, तो उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा कि मैं पृथ्वीराज चौहान की इस मंजार जो समाधि है, इनको मैं रिपेयर करवाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, अगर आप रिपेयर करवाना चाहते हो, कितना खर्च करना चाहते हो? तो उन्होंने कहा, मैं जो अफगानिस्तान के अफगानी में 5 लाख रुपए खर्च करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप हमारे पास जमा कर सकते हो, उसके बाद आप, अभी बर्फ गिर रही है, उसके बाद इसको रिपेयरिंग करवा सकते हो। तो उस एक बार तो उन्होंने वहां से फ्री कर दिया। जब दूसरी बार और मौका मिला तो वो गए। जब वहां से गए उन्होंने, तो उन्हें पता चला, वो अपने दो साथियों के साथ गए, पूरी रात पहरा दिया बर्फ में, भरी ठंड में, तो देखा कि अब गांव के सारे लोग सो चुके थे, कोई नहीं था। तो उन्होंने वो खोदना शुरू किया, और जैसे ही मंजर को खोदा, उसके साथ साथ उन्होंने वीडियो भी बनाई, वीडियो बनाई ताकि लोगों को पता चले कि भाई रियल में ही पृथ्वीराज चौहान जी की ही समाधि अस्थियां है, वहीं से वो निकाल के लेके। उन्होंने अपना वीडियो भी बनाया, और वहां से वो रात मट्टी लेके, उन पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों की जो थी, वहां से लेके वो फरार हो चुके थे। जब वहां के लोगों को पता चला, तो वहां भी हलचल हुई, और शेर सिंह राणा उसे लेके पहुंच चुके थे म्यांमार में। म्यांमार से उन्होंने उस जो थी पृथ्वीराज चौहान सिंह की मिट्टी, वहां की समाधि की, जो हमने किसी हिंदू संगठन को फोन किया और हिंदू संगठन को ही सौंप दिया। हिंदू संगठन को सौंपने के बाद उन्होंने उनके साथ जो भी थे वीडियो वगैरह उनको भी भेज दिया, अपने पास भी एक दो कॉपी रख ली। और उसी टाइम हिंदू हिंदू संगठन ने मिल करके पृथ्वीराज चौहान जी की एक चौरस में चबूतरा जो बोलते हैं ना, वो बनवाया, वो अस्थिया उसमें रख के उनका एक स्मारक बना दिया जो पृथ्वीराज चौहान सिंह के नाम का था। जी हाँ, और उस जो बनाया था उसमें शेर सिंह राणा की माता को बुलाया गया और उन्हें बताया गया, और बाकी यही सरने वाला काम था। और सोशल मीडिया पर, न्यूज में वगैरह वो फुल छा गए थे। शेर सिंह राणा वो एक हीरो हो गए, लोगों के दिलों में हीरो की तरह राज करने लगे, और ये सब उसी तरह चलता था। जब शेर सिंह राणा ने यह सब किया, तो उसके बाद शेर सिंह राणा जब उन्होंने वो स्मारक बन के तैयार हो गया, और इधर शेर सिंह राणा लोगों के दिलों में राज करने लगे, तो उन्होंने, जी हाँ, शेर सिंह राणा बोल रहे थे कि उन्होंने कसम खाई थी कि वो पृथ्वीराज चौहान जी की वहां से जो मंजार है, जो अस्थियां है, उनसे यहाँ भारत लेके आएंगे। और वो बोले वो यहाँ भारत में लेके आएंगे, और उनका एक सम्राट भी बनाया गया, और ऐसे ही पृथ्वीराज सिंह की अस्थियां भारत में, और उनकी मंजर की मिट्टी भारत में आ चुकी थी। वहाँ भारत के नेता लोग सब कुछ कुछ थे, न्यूज में भी शेर सिंह राणा काफी छाए हुए थे। उसके बाद जब शेर सिंह राणा म्यांमार में थे, उसके बाद उन्होंने इंडिया में आना तय किया, और फिर शेर सिंह राणा ने वही कसम खाई थी कि वो शेर सिंह राणा पृथ्वीराज सिंह चौहान की अस्थियां भारत में लेकर आएंगे, और वो लेकर भी आए। वाकई ही वो एक महान योद्धा थे, और वो एक हीरो थे जिन्होंने लोगों के दिलों पे आज भी राज किया।